हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूम हीटर यानी हीटिंग ब्लोअर के अंदर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सब के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं और उन सब इक्विपमेंट की वर्किंग क्या होती है, आज इस वीडियो में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने हीटिंग ब्लोअर को खोला हुआ है। इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं सबके कनेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आगे में आपको एक एक वायर कहां कहां लगेगी और कौन से इक्विपमेंट का वर्किंग क्या होती है ये सब अच्छे से समझाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि हीटिंग ब्लोअर में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है, फिर उसके बाद उनके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हीटिंग ब्लोअर की सप्लाई के लिए एक पावर कोर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं 3-पिन प्लग टॉप वाला जो हमने ये एक पावर कोर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का एक हीटिंग एलिमेंट होता है। इसमें क्या होता है ना कि ये एक 1000 वाट के दो एलिमेंट लगे होते हैं। आप देख सकते हैं हमने कि हीटिंग एलिमेंट ले लिया। उसके बाद इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगाया जाता है जिससे हम टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये जो स्विच दिया है ना, इसके नीचे ये थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। कुछ इस प्रकार से एक थर्मोस्टेट स्विच होता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक थर्मोस्टेट स्विच ले लिया है। इसके बाद हीटिंग ब्लोअर के ऊपर एक और स्विच दिया होता है। इस स्विच का काम ये होता है ना कि अगर हमने इसमें खाली ब्लोअर को ही चलाना, जो हमारे इस हीटिंग ब्लोअर के अंदर एक फैन लगा हुआ है इसी को चलाना, या फिर आपने एक ब्लोअर को चलाना, इस ब्लोअर को चलाना और फिर एक हीटर को चलाना, या फिर आपने इसमें लगे हुए जो डबल हीटर है दोनों हीटर को चलाना और ब्लोअर को चलाना है, तो ये इस स्विच का काम इतना होता है। ये जो स्विच है ना, कुछ इस प्रकार का स्विच होता है। इसमें 5-पिन ये स्विच होता है। तो चलिए इस 5-पिन स्विच का आगे मैं आपको कनेक्शन में अच्छे से बताऊंगा कि किस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस 5-पिन स्विच को भी हमने ले लिया। इसके बाद इस हीटिंग ब्लोअर में एक फैन मोटर लगी होती है जिसके साथ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की ये फैन मोटर होती है। तो चलिए अब इस फैन मोटर को भी हम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस फैन मोटर को भी ले लिया है। अब इसके बाद एक इंडिकेटर लगता है फ्रेंड्स। ये जो इंडिकेटर है ना फ्रेंड्स, इसको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर ब्लोअर जो फैन मोटर लगी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने फैन मोटर के साथ में इंडिकेटर को लगा दिया है। चलिए अब इन सभी इक्विपमेंट के कनेक्शन किस प्रकार होंगे ये सब जान लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये जो पावर कॉर्ड है ना, इसकी जो 3 वायर निकली हुई है, ग्रीन, रेड और ब्लैक, और ये जो रेड कलर की वायर है ना, ये फेस वाली वायर है। तो इस फेस वाली वायर को उठाकर और थर्मोस्टेट के साथ लगा देंगे, थर्मोस्टेट के किसी एक टर्मिनल के साथ लगा देंगे और फिर दूसरे टर्मिनल से एक वायर उठाकर और फिर ये जो 5-पिन वाला स्विच है ना, इसके ए और बी वाले जो टर्मिनल है ना, किसी एक के साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने बी वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है और फिर बी वाले टर्मिनल से एक वायर लेकर और फिर ये जो ए वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लूप कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लूप क्यों किया है। मैं आपको बता दूं कि ये लूप इसलिए किया है कि अगर हम सिंगल खाली ब्लोअर को ही चलाना है, खाली फैन को ही चलाना है तो इससे आप चला सकते हैं, या फिर आपने फैन के साथ साथ में एक हीटर को भी चलाना है तो आप चला सकते हैं, या फिर आपने फैन के साथ साथ में दोनों हीटर को चलाना है तो इसलिए इस लूप को लगाना पड़ता है ताकि हम ब्लोअर के साथ साथ दोनों हीटर को यूज कर सकें। इसके बाद फिर इसी स्विच का जो बी वाला टर्मिनल है ना, उसके साथ में जो टर्मिनल है वहाँ से आपने एक वायर और उठानी है और फिर उठाकर ये जो मोटर की 2 वायर दिख रहे हैं ना, 2 में से किसी एक वायर के साथ आपने वायर को, उस वायर को लगा देना है और फिर वहीं से आपने एक वायर और उठानी है और फिर उठाकर ये जो रेड इंडिकेटर देख रहे हैं ना, उसके किसी एक वायर के साथ आपने वो वाली वायर लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके रेड इंडिकेटर की जो रेड वाली वायर है उसके साथ लगा दिया है। इसके बाद फिर ये जो पावर कोर्ड की ब्लैक कलर वाली वायर है ना, ये न्यूट्रल वाली वायर है, इसको आपने ये जो हीटिंग एलिमेंट है ना उसकी ब्लू कलर की वायर के साथ लगा देना है। ये जो ब्लू कलर वाली वायर है ना, ये दोनों हीटर के एक एक सिरे को आपस में जोड़कर एक कॉमन वाली वायर बनाई हुई है और इसको ब्लू कलर वाली वायर के साथ जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल वाली वायर को ब्लू कलर की जो हीटिंग वाली वायर थी उसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद फिर वहीं से आपने एक वायर और उठानी और फिर इंडिकेटर के एक वायर जो रह गई थी उसके साथ लगा देना और फिर इंडिकेटर के साथ न्यूट्रल वाली जो वायर लगाई है ना, वहीं से आपने एक वायर और उठानी है और फिर मोटर के जो एक वायर रह गई थी उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर और मोटर के साथ भी न्यूट्रल हमारी वायर लग चुकी है। उसके बाद फिर अब हीटर के कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो 5-पिन स्विच है ना, इसके 2 टर्मिनल खाली रह गए हैं। तो आप किसी भी एक टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे तो और फिर ये हीटर के एक वायर जो रह गई है उसके साथ लगा देंगे और फिर दूसरे टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और फिर
हीटिंग एलिमेंट के जो दूसरी वाली वायर रह गई है उसके साथ लगा देंगे। इसके बाद पावर कोर्ड से आप ग्रीन वाली वायर देख रहे होंगे, ये अर्थ वाली वायर है। इसको आपने ये जो हीटिंग ब्लोअर होता है ना उसकी बॉडी के साथ लगा देना है, तो कहीं भी आप बॉडी पे लगा सकते हैं। ये बॉडी अर्थ का एक वायर होती है। ये जो ऊपर वाला आप पावर कोर्ड में देख रहे होंगे ना, ये जो बड़ा पिन है ना, ये अर्थ वाली पिन होती है, वहीं से ये वायर ग्रीन वाली वायर आई होती है। आई होप फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।